प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की हैसियत अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां किसी भी अहम मुद्दे पर दुनिया की नजरें सबसे बड़े लोकतंत्र पर जाकर टिक जाती हैं। पुतिन ज़ेलेंस्की के बाद अब इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के एक बयान के बाद पूरी दुनिया की उम्मीदें भारत पर टिक गई हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को रुकवा सकता है, भारत जंग रुकवाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद मेलोनी का ये बयान सामने आया है। ये स्पष्ट है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को तोड़ा जाता है तो अराजकता और संकट में वृद्धि होगी, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि संकट के बढ़ने के साथ ही भू आर्थिक क्षेत्र का स्वाभाविक विखंडन होगा, यानी लंबे समय में आर्थिक वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों पर सवाल उठाना साथ साथ नहीं चलेंगे। यही बात मैंने अपने चीनी समकक्षों से भी कही, हमें चुनना होगा क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती। यही कारण है कि मुझे लगता है कि अंत में चीन और भारत जैसे देश यूक्रेन में संघर्ष को हल करने में भूमिका निभा सकते हैं और उन्हें भूमिका निभानी चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी की रूस और यूक्रेन यात्रा के दौरान खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि भारत उनके बीच चल रही जंग को रोकने में मध्यस्थता की बड़ी भूमिका निभा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान जारी कर यूक्रेन से जंग में भारत की मध्यस्थता की इच्छा जाहिर की थी, तो वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा था कि भारत इस युद्ध को रोकने में सक्षम है। पहले पुतिन और ज़ेलेंस्की ने कहा, अब इटली के पीएम ने बड़ा बयान दिया, रूस यूक्रेन जंग रोक सकता है भारत। अजीत डोभाल की रूस यात्रा बेहद खास, पुतिन तक पहुंचेगा पीएम का शांति संदेश। सबके बीच एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी का शांति संदेश लेकर रूस जाने वाले हैं। माना ये जा रहा है कि इस शांति संदेश के जरिए भारत अब रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए बड़ी पहल करने वाला है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग को 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है, इसके बावजूद इस जंग का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, और अब इस जंग को रोकने के लिए पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई है।